कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएमवली स्थित स्टेडियम के पास में ही आज दोपहर के वक्त में एक स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार काफ़ी तेज थी और ड्राइवर का जो है गाड़ी से संतुलन हट गया और वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है डिवाइडर से जाकर टकराई। बड़ा ज़बरदस्त डिवाइडर से ये टक्कर हुआ था, मगर गनीमत रही कि आसपास में यहाँ पर कई स्कूलें हैं और स्कूल के बच्चों का भी यहाँ से आना जाना होता है। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि हादसा हुआ, उसके बाद जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई तो उसमें स्कूल के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना एक बहुत बड़ा हादसा होता ये। हालांकि टक्कर होने की वजह से डिवाइडर भी टूट गया है और गाड़ी भी डैमेज हुई है। हालांकि जो ड्राइवर है, बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित है। ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे और जो है क्रेन की मदद से उस गाड़ी को डिवाइडर से हटाकर जो है किनारे पर लगाया गया। लेकिन आपको बता दें कि एमएमवली स्थित जो रोड है एमएमवली का, इस रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, चाहे वो बाइक सवार हों या फिर चाहे कार या और भी गाड़ियां जो चलाते हैं। इस रोड पर जब चलना शुरू करते हैं ये गाड़ी लेकर, तो इतनी रफ्तार से चलाते हैं कि किसी न किसी से टकरा हो जाती है इनकी, या ये खुद जो है गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो है हादसे सामने आते हैं।